मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली सच बताऊं तो 15 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद मेरे को एक शो मिला है जो मैं पहले एपिसोड से कर रहा हूं, और मैंने हम लोगों ने 100 एपिसोड कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक्स टू यू, सबको बहुत बहुत बधाई और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये जो 100 आया ना, इसकी जीरो आगे 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 बढ़ाते रहिएगा। 0 to 100 का 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, 5000 हो जाए, ऐसे हम बढ़ते रहे बस। मेरे कैरेक्टर का नाम है मूंग सिंह, जो कि शुरू से लुटेरा दूल्हा रहा है। हम लोग भेस बदलते हैं, भेस बदल के मैं जाता हूँ, लड़कियों से शादी करता हूँ, फिर शादी के बिल्कुल मौके पे सब सामान लेके, गहने वहने लेके सब लूट के निकल जाता हूँ। तो हम लोगों का, मैं और चकोरी की जोड़ी रही है, तो हम लोगों ने यही किया है शुरू से कि शादी पे गए, भेस बदला, लूटा और निकल गए। और मुझे पहली बार ऐसा कैरेक्टर मिला है कि जिसमें एक ही कैरेक्टर में मेरे को बहुत सारे गेटअप्स लेने को मिले हैं, बहुत सारे डिस्गाइज लुक्स हैं मेरे, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से, कभी किसी गेटअप से। बट अभी लीव के बाद ये फिक्स कैरेक्टर है, क्योंकि अभी हम लोग अमीर हो चुके हैं थोड़े से। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, टचवुड। सारी टीम बहुत अच्छी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, बड़े आर्टिस्ट हों, टेक्नीशियंस हों, सब लोग इतने कमाल के हैं। बच्चों का मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि वो इतने इंटेलिजेंट एक्टर्स हैं, क्योंकि उनको उनको सब पता है कि कैमरा एंगल्स कहाँ है, कौन सा शॉट चल रहा है, उनको उनको इतनी इतनी नॉलेज है। तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता था। अभी तो लीव लिया है शो ने, तो लीव के बाद जो है धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, अभी उनके साथ काम करके अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग सब एक ही फैमिली में आ चुके हैं। फैंस के लिए तो बस यही कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया है, हमेशा नंबर वन रहा है शो हमारा, और इसको ऐसे ही नंबर वन रखिएगा, कंटिन्यू रखिएगा, TRP ऐसे ही हाई रहे, और जैसे मैंने बोला पहले भी कि जीरो जो है 100 का 0000 चलता रहे बस, बढ़िया। थैंक यू सो मच मूंग सिंह की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल। सो या, हम लोगों ने तो एक्चुअली लीप के बाद स्टार्ट किया, तो असली मेहनत तो बच्चों की ही है, एंड हैट्स ऑफ टू देम। बट या, आई होप वी कंटिन्यू टू एंटरटेन यू ऑल। तो जैसा कि आप जानते हैं, रसाल अपने भाई की ढाल, राइट? तो ये कैरेक्टर ऐसा है कि जो कि यूजुअली होता है कि भाई बहन को प्रोटेक्ट करता है, बट यहाँ पे हम एक सोसाइटी पे मैसेज देना चाहते हैं कि इट्स नॉट जस्ट ब्रदर हु प्रोटेक्ट्स द सिस्टर, बट बल्कि बहन भी इक्वली ही प्रोटेक्टिव होती है अपने भाई के लिए। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एकदम हीरोइक कैरेक्टर है, जो भाई के लिए कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगी, भाई से इतना प्यार करती है कि मर मिट जाने के लिए तैयार है, सही को सही और गलत को गलत कहती है। आई एम रियली ब्लेस्ड, एंड आई वांट टू थैंक द टीम एंड द प्रोड्यूसर्स एंड बियॉन्ड ड्रीम्स, क्योंकि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझती हूँ, खुशनसीब समझती हूँ, इससे अच्छा डेब्यू रोल नहीं हो सकता था। तो यार, क्योंकि एक्चुअली क्या है, रसाल ना अपने भाई को कोई भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती है, भाई को कोई टेंशन नहीं देनी है उसे, तो वो अपने भाई से झूठ बोल देती है कि नहीं सब ठीक है भाई साहब, आप अपने, क्योंकि भाई की भी अभी शादी हुई है और वो बहुत कंसर्न है कि मेरे भाई की जो शादी है वो अच्छे से चले, भाई और भाभी के बीच में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो वो इसलिए थोड़ा बहाना बना देती है कि नहीं भाई साहब मैं ठीक हूँ, आप वहीं रहिए। बट एज़ यूजुअल भाई तो हमारे, भाई बहन को पता चल जाता है, एक इंट्यूशन, राइट? हमारे भी फैमिली में कुछ होता है, हमें इंट्यूशन आ जाता है, तो ऐसे ही उनको भी फील होता है, एंड ही कम्स एंड ही सीज कि मेरी बहन को इतना टॉर्चर कर रहे हैं, और वो एक्शन लेते हैं फिर उसके लिए। एक्चुअली आई एम वेरी लकी, क्योंकि रसाल इज़ वेरी मच मी, वर्षा इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू रसाल, क्योंकि मैं भी रियल लाइफ में, मुझे
मेरी फैमिली ने बहुत प्यार दिया है, लाडली रही हूँ। जैसे भाईसा की लाडली है रसाल, वैसे ही वर्षा अपनी फैमिली में बहुत लाडली रही है। और सही को सही, गलत को गलत, बाकी हाँ क्वाइट सिमिलर। या आई जस्ट गॉट टू नो या आई होप कि सब अच्छा चलता रहे, हम अपना 100% देंगे। और आई गेट द वाइब कि ये जो स्टोरी है, राइटर्स है, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये स्टोरी लिखी है एंड बहुत अलग है ये बाकी के डेली सोप से, तो अच्छा ही चलना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 100 एपिसोड्स हमने आज रक्षाबंधन के पूरे किए हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे जब मुझे बताया गया कि 100 एपिसोड्स हो गए, मुझे लगा इतना जल्दी ये कब हुआ, तो इट वाज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग मोमेंट एंड आई एम रियली हैप्पी। जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट रही मेरे लिए, लेकिन चैलेंजिंग थी और फुलफिलिंग थी, क्योंकि मैं पहले अपना ही बाप प्ले कर रहा था इस शो में। आई वॉज प्लेइंग उमेद प्रताप सिंह। फिर वो ऑडियंस को इतना पसंद आया कि जब शिवराज को बड़ा होना था बेटे को बदला लेने के लिए फादर की डेथ का, तो दे वांटेड मी टू प्ले दैट कैरेक्टर टू, एंड फॉर दैट आई हैड टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। मुझे वेट लूज करना पड़ा, मुझे अपनी लुक्स बदलनी पड़ी, बिकॉज फ्रॉम 34 आई हैड टू स्टार्ट लुकिंग 25, 26, 27 मैक्सिमम। तो उस एज ब्रैकेट में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उसके अंदर मैंने काफ़ी बॉडी वॉडी बनाई अपनी, जिसकी फोटोज़ मैं बहुत जल्द रिलीज करने वाला हूँ। अभी उतार चढ़ाव तो डेली सोप में आने ही चाहिए, नहीं तो टीआरपी कहाँ से आएगी। हमारा शो इस वक्त चैनल पे नंबर 1 है, और काफ़ी सारे शोज जो कॉम्पिटिटिव चैनल्स के हैं उन सबके सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा। तो आई थिंक बहुत जितनी मेहनत हम कर रहे हैं वो ऑडियंस पसंद कर रही है, उसको सराहा रही है, उसको प्यार दे रही है, एंड बस जिस तरह मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे आगे भी। देखिए, शो का नाम हमेशा से था रक्षाबंधन, रसाल अपने भाई की ढाल, यानी कि शो एक भाई और बहन की कहानी है। पर जब ये शो शुरू हुआ था तब भाई बहन बिल्कुल दो छोटे बच्चे दिखाए गए हैं, जिनका एक फादर है उमेद प्रताप सिंह जो कि गांव का सरपंच है, एक सिंगल फादर है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, तो वो अकेले ही बच्चों के लिए माँ का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, बाप का रोल भी प्ले करने की कोशिश कर रहा है, अपना काम भी देख रहा है, गाँव का सरपंचगिरी भी देख रहा है। तो ही इज़ अ वेरी आइडियलिस्टिक मैन, मतलब ऐसा लगा जैसे श्री राम का एक इंसानी वर्जन है, ये अवतार है उनका। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैरेक्टर एंड आई वॉन्टेड टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड जितना स्ट्रॉन्ग जो एक माचो मैन वाला जो कैरेक्टर होता है द अल्फा मेल, वो कैरेक्टर उमेद सिंह का था, एंड दैट्स व्हाई आई रियली वॉन्टेड टू प्ले। सबसे बड़ा मैसेज ये है, जो हमारी एक तरह से टैगलाइन भी रही है प्रोमोज में, कि एक भाई ही क्यों अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है रक्षाबंधन के टाइम पे, एक बहन भी अपने भाई को उसी तरह प्रोटेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो भी उतनी ही काबिल है अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन एनी मोर। तो ये शो का मेन पर्पस वही है दिखाने का। आई थिंक स्ट्रेंथ ये रही है कि सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत करी है, पूरी टीम ने, टेक्निकल टीम ने बहुत मेहनत करी है, चैनल ने बहुत मेहनत करी है शो की कहानी को डेवलप करने में, प्रोडक्शन हाउस ने कोई कमी नहीं छोड़ी कभी भी खर्चा करने में शूटिंग के दौरान। तो आई थिंक ये सब जो सबका एक कंबाइंड जो एफर्ट हुआ है ना, उसकी वजह से आज ये शो इतना पॉपुलर, इतना एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है कि इट्स 100 एपिसोड्स एंड आगे शायद 500 और हो जाएंगे, 1000 और हो जाएंगे, यू नेवर नो। दोनों बच्चों ने काफ़ी तारीफ की आपकी, किस
मैं बहुत प्यार करता हूँ दोनों बच्चों से। रसाल जो मेरी बेटी बनती थी, अब मेरी बहन है मतलब, लेकिन तब मेरी बेटी थी, तो उसके साथ मेरी एक खास डील ऐसी थी कि कोई भी शॉट अगर ख़त्म होता है एंड इफ़ आई एम सिटिंग फ्री, तो उसको मेरी गोद में ही बैठना है। उसको पूरा दिन अपने पापा की गोद में नहीं बैठना, उसको ये बापूसा की गोद में बैठना है। तो मेरे उससे इतनी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई थी कि जब आखिरी दिन था तो हम दोनों एक दूसरे को गले लगा के फूट फूट के रो रहे थे। तो आज वो वापस आई है मिलने के लिए हमको आज की सेलिब्रेशन में, तो आई कांट वेट कि मैं उसके साथ जाके थोड़ी बातें करूँ, डांस करूँ, उसके साथ मस्ती करूँ। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, शो अच्छा चल रहा है, कहानी बहुत अच्छी जा रही है, कैरेक्टर बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, एंड यहाँ जो पूरी टीम है, जितने भी एक्टर्स हैं शो के अंदर, कोई ईगो, कोई इनसिक्योरिटी, कोई उस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करता। एवरीबडी इज़ लाइक अ फैमिली, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सब बताते हैं कि हाउ टू डू द सीन बेटर। तो आई थिंक वो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हमारे शो में है ना, पूरी टीम में, दैट इज़ द यूएसपी ऑफ द शो। शो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि पहली बार एक भाई बहन की कहानी आई है, जो कि अक्सर आप देखेंगे लव स्टोरीज होती हैं, बदले की कहानियां होती हैं, इसमें सब कुछ है, लेकिन द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज द लव बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर रसाल एंड शिवराज, कि कैसे वो एक दूसरे की ढाल बनते हैं, एक दूसरे को हमेशा प्रॉब्लम से बचाते हैं, एंड दे आर सो सेल्फलेस इन देयर लव। तो वो एक बहुत प्यारी यूएसपी हमारे शो की, और आगे जाके कहानी में इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं कि आप देखते रह जाएंगे। ये है मेरी रसाल। ऑडियंस को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमको जितना प्यार दिया है, जिसकी वजह से हमारा शो नंबर वन है, उतना ही प्यार देते रहना, और हम और मेहनत करेंगे और आपको और ज़्यादा खुश करेंगे। देखिए, शिवराज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि तूफान की तरह है, मतलब उससे अगर आप पंगा लेंगे तो ही कैन गो टू एनी लिमिट। वो अपनी मर्यादा जानता है लेकिन वो कभी हार नहीं मानता है। तो आज पीछे से वार करके मूंग उसको बोलता है कि आई एम गोइंग टू शूट यू, मैं तुझे बंदूक से मार दूंगा क्योंकि तू हमारी जायदाद लेने वापस आया है। तो एक मौका देखते ही वो बंदूक घुमा के उसके मुँह में डाल देता है और बोलता है कि बोल अब, क्योंकि मैं तुझे अगर गोली मारूंगा तो इट विल बी सेल्फ डिफेंस, क्योंकि पहली गोली तूने चलाई है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तेरी जान बख्श रहा हूँ, बिकॉज दैट्स माई मर्यादा। ये था सीन आज का। थैंक यू। चलो एक बूमरैंग बनाओ मेरे, वेयर बोथ ऑफ देम आर किसिंग मी। बूमरैंग एक साथ, एक साथ, एक साथ, 1 2 3 पे। थैंक यू बीच में बस वेट किसान क्या देखिए सर। अरे तुम्हारा बीच में आ रहा है यार, बीच में आ रहा है। वेरी बैड आ रही है सर, चलिए सब लोग आ गए ना। अरे नहीं जाओगे भाई, केक काटते हैं के। अरे वो दोनों नहीं काटेंगे यार, उनके साथ और है केक काटने के लिए, वो लोग थोड़ी केक काटेंगे। अरे वो थोड़ी उन लोग थोड़ी केक काटेंगे। मंडप नीचे जाना सर, सब लोग आ रहे हैं ना, निकलते हैं भाई।
चाकू का चाकू ऐसे ही ऊपर साउंड को कटिंग करके नहीं हुआ तू ले सकते क्या नहीं अरे चाकू आते दीपक फ्रेम के ले रहे सॉफ्ट है बहुत बढ़िया है हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप लोग देख रहे हो केक खाते हुए यहाँ पे हम लोग बहुत केक खाए ऐसे चलिए 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 अभी